रोहित के लिए शुभमन गिल की क्यों चढ़ाई जा रही है बलि? बीसीसीआई रोहित को क्यों समझता है महाबली? जिस शुभमन गिल ने शतक लगाया, टीम इंडिया को मैच जिताया, बीसीसीआई ने उसे टीम से बाहर क्यों भगाया? रोहित वापस आएंगे, शुभमन टीम से बाहर जाएंगे, बीसीसीआई क्यों हराना चाहती है वनडे विश्व कप? रोहित को भी खिलाओगे, राहुल को भी खिलाओगे, शानदार फॉर्म में चल रहे गिल और संजू को बाहर बैठाओगे, कैसे जीत पाओगे? जी, टीम इंडिया आने वाले वनडे विश्व कप की तैयारियां कर रही है, लेकिन उन तैयारियों में टीम इंडिया ऐसी गलती कर रही है जिसका खामियाजा उसे वनडे विश्व कप में हार के साथ भुगतना पड़ सकता है। जो गलती टीम इंडिया ने एशिया कप में की, जो गलती टीम इंडिया ने एशिया कप के बाद T20 विश्व कप में की, वही गलती टीम इंडिया फिर से वनडे विश्व कप में करने जा रही है। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों बीसीसीआई काम की जगह नाम वाले खिलाड़ियों को मौका दे रही है, क्योंकि अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनने के बाद आप भी बीसीसीआई के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहेंगे कि बीसीसीआई गलतियों से सीख क्यों नहीं रहा? क्या बीसीसीआई संजू की ही तरह इस खिलाड़ी के करियर को भी खराब करना चाहता है? तो हम आपको बीसीसीआई के इस कदम के बारे में भी बताएंगे और बताएंगे कि रोहित की जगह शुभमन गिल को बाहर करना कैसे टीम इंडिया को भारी पड़ सकता है और क्यों संजू की तरह गिल का करियर खतरे में आ रहा है। खबर को बताएं उससे पहले आपको शुभमन गिल के शानदार प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। साल 2022 शुभमन गिल के लिए शानदार रहा है। इसी साल शुभमन गिल ने गुजरात टाइटंस के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए उसे पहले आईपीएल में चैंपियन बनाया। फिर साल 2022 में गिल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में पहला शतक लगाया। फिर बांग्लादेश के खिलाफ उसी के घर में टेस्ट में शतक लगाकर शुभमन ने अपनी काबिलियत को दिखाया। बांग्लादेश के खिलाफ 152 गेंदों पर 110 रनों की पारी खेलकर शुभमन ने बीसीसीआई को साफ संकेत दे दिए कि वो टीम में जगह पाने के मजबूत दावेदार हैं। शुभमन के शतक से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद टीम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। टीम से सीनियर प्लेयर्स की छुट्टी हो सकती है और बड़ी बात यह है कि मैच में कप्तानी कर रहे केएल राहुल का प्रदर्शन देखा जाए तो प्रदर्शन के आधार पर तो उनकी जगह ही नहीं बनती, लेकिन उसके बाद भी बीसीसीआई को बड़े नाम वाले खिलाड़ी ज्यादा अच्छे लगते हैं और शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल को बाहर किया जाएगा। खबर है कि बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल की जगह पर रोहित शर्मा को वापस लाया जाएगा। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि बीसीसीआई ऐसा क्यों कर रही है? क्यों शुभमन गिल की जगह पर रोहित को मौका दिया जा रहा है? क्यों एक होनहार खिलाड़ी का करियर चौपट करने के चक्कर में बीसीसीआई तुली हुई है? सवाल यह भी है कि बीसीसीआई टीम इंडिया के भविष्य को लेकर क्यों नहीं सोच रही? ये बात साफ है कि वनडे विश्व कप के बाद रोहित शर्मा टीम इंडिया से बाहर हो जाएंगे। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी अगला साल टीम इंडिया के लिए अहम होने वाला है। टीम इंडिया की टक्कर कंगारू टीम से हो सकती है जिसने हाल ही में पाकिस्तान को उसके घर में धूल चटाई है। उसके बाद टीम इंडिया को वनडे विश्व कप भी खेलना है। ऐसे में शुभमन गिल जैसा इन्फॉर्म खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, लेकिन उसके बाद भी बीसीसीआई शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को बाहर करके रोहित को मौका दे रही है। रोहित शर्मा को छोड़िए, केएल राहुल का बल्ला भी आईपीएल 2022 के बाद नहीं चल रहा। एशिया कप और T20 विश्व कप में राहुल पूरी तरह से फेल रहे। जिस टीम इंडिया की बल्लेबाजी कागजों पर मजबूत नजर आती है, वो दोनों बड़े टूर्नामेंट में पूरी तरह से फेल रही। ऐसे में जहां बीसीसीआई को ओपनर के तौर पर बदलाव की जरूरत है, ईशान किशन, शुभमन गिल, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ियों को मौका देने की जरूरत है, लेकिन बावजूद उसके बीसीसीआई वनडे विश्व कप से पहले फिर से वही गलती दोहरा रहा है जो एशिया कप और T20 विश्व कप में दोहराई थी। ये वो वक्त था जब टीम इंडिया को ईशान किशन, शुभमन गिल, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए था, क्योंकि जो सपना टीम इंडिया का पूरा नहीं हो पा रहा है उसे इन नौजवान खिलाड़ियों के दम पर पूरा किया जा सकता था। आपको बीसीसीआई के इस फैसले पर क्या कहना है कि रोहित की जगह क्या शुभमन को खिलाना सही है? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।